नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग पेट्रोल पंप कैसे खुलवा सकते हैं। पेट्रोल पंप कैसे खुलवा सकते हैं दोस्तों, मैंने एक और वीडियो बना रखी है, लेकिन यहाँ पे कुछ नए नए अपडेट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक वेबसाइट ही बताऊंगा जहाँ पे आप लोग जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कई लोगों के अंदर ये क्वेश्चन था कि हम एडवर्टीजमेंट कहाँ देखें, कि हमारे जिले में कब आ रहा है, हमारे शहर में कब आ रहा है, हमारे गाँव में कब आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग के सारे क्वेश्चन क्लियर आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं, तो मैंने सारा रिसर्च करके आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किस तरह से अप्लाई करना है, सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा दूंगा। चलिए दोस्तों जानते हैं पूरी डिटेल में कि आप लोग पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं, क्या आप लोगों को पहलू आगे मिलने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में और यहाँ पे आप लोग शहरी या फिर आप लोग कह लीजिए सामान्य क्षेत्रों में अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लैंड की रिक्वायरमेंट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे जानना जरूरी है। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि आप लोगों की योग्यता क्या होनी चाहिए। चलिए सब कुछ हम लोग डिटेल में जानते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इंडियन ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं कि हम पेट्रोल पंप की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए द इंडियन ट्यूबर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट और कमाल की वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि पूरे देश भर में एचपी इंडियन ऑयल और साथ में यहाँ पे आप लोगों का भारत पेट्रोलियम लगभग 15,000 से भी ज्यादा नए पेट्रोल पंप खोलने वाले हैं, यानी कि अपनी अपनी ब्रांचेस, अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस आप लोगों में बांटने वाले हैं, जिसकी दोस्तों आप लोग एक वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप लोगों को वहां से एडवर्टाइजमेंट मिलती रहेगी, यानी कि आप लोगों के शहर में आएगा तो आप लोगों को वहां से नोटिफिकेशन भी मिलेगी, आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है वहां वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोगों को दोस्तों यहां नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे रखी है, तो आप लोग जाकर के वहां पे उस पर विजिट करके सारी जानकारी अपने खुद से ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ी थोड़ी और मोटी मोटी जानकारियां बता देता हूँ, जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों तो हम योग्यता की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इंडियन नागरिक होने चाहिए, यानी कि भारतीय नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि आप लोगों की एज या फिर उम्र आप लोग कह लीजिए 21 साल हो जानी चाहिए और 60 साल आप लोग बीच में होने चाहिए, यानी कि 21 से 60 साल के बीच में होने चाहिए। वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं तो आप लोगों की 60 साल के बाद भी चलेगा, लेकिन अगर आप लोग रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर नहीं है तो इनको छोड़ करके आप लोगों का 21 से 60 साल की योग्यता होगी। वहीं पे अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें दोस्तों, तो पढ़ाई लिखाई आप लोगों को ज्यादा नहीं करनी है यहाँ पे। अगर आप लोगों ने 10वीं पास कर ली है, अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की हुई है फर्स्ट डिवीजन से, तो यहाँ पे आप लोग अपना पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो रही बात दोस्तों योग्यता की। अब यहाँ पे आप लोग को आवेदन कहाँ करना है और कैसे करना है। आवेदन करने के लिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले तो अपने लैंड को देखिए कि आप लोगों का लैंड कहाँ पे है और किस तरह से है, और आप लोगों के लैंड में क्या चीजें हैं, यानी कि आप लोगों ने लैंड को रेंट पे ले रखा है या फिर आप लोगों का खुद के मालिक है या फिर आप लोगों ने पार्टनरशिप में खोलना है। ये सारी रिक्वायरमेंट आप लोग अपने आप को आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में खोलना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए दोस्तों आप लोगों की जो जमीन है वो हाईवे के पास नहीं होनी चाहिए, साथ में ऐसे कोई भी जो भी नेशनल हाईवेज हो उनके आसपास नहीं होनी चाहिए, आप लोगों की जो भी जमीन हो वो ग्रामीण इलाके में होनी चाहिए। वहीं पे दोस्तों अगर दूसरे क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि यहाँ पे सामान्य क्षेत्र रखा गया है जिसमें आप लोग के शहरी क्षेत्र आते हैं, जो भी म्युनिसिपल एरिया होते हैं उसमें आप लोगों का जमीन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में आ रहे हैं तब, अगर आप लोग शहरी क्षेत्र में ले रहे हैं तो आप लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे आप लोगों का सामान्य वाले में जो भी हाईवेज वगैरह हो, नेशनल हाईवेज वगैरह हो, वहां पे आप लोग ले सकते हैं। इन दोनों की दोस्तों प्राइजेस अलग है, यानी कि अगर आप लोग नेशनल हाईवेज या फिर सामान्य वाले में लेना चाहते हैं शहरी क्षेत्रों में, तो आप लोग कम से कम 25 लाख रुपए अपने पास रखने हैं, और वहीं पे दोस्तों अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो आप लोगों के पास 10 से 15 लाख रुपए होने चाहिए। ये आप लोग इंतजाम कर लीजिए तभी आप लोग यहाँ पे डीलरशिप ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसका इतना ज्यादा क्रेज बढ़ गया है पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने के लिए कि आप लोग को काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आवेदन की बात करें तो आप लोग को आवेदन कहाँ करना है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, और यहाँ पे आप लोग इस तरह के वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। रजिस्ट्रेशन कराने में दोस्तों आप लोगों के पास होनी चाहिए एक ईमेल आईडी जो कि आप लोगों के फोन से अटैच्ड हो, या फिर आप लोग यहां पे नंबर भी डाल सकते हैं, फिर वहां पे आप लोगों को पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों के ईमेल आईडी पे एक कंफर्मेशन मैसेज जाएगा, उसके कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को एक ओटीपी जनरेट होगी जो कि यहां पे आप लोगों को भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को दोबारा से आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे और फिर आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा।
अब लॉग इन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, आप लोगों का नाम, आप लोगों का जेंडर, आप लोग मैरिड हैं, क्या है, कैसे हैं, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को दोबारा से बताना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग की प्रोफाइल क्रिएट होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी अगर आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोग का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। डैशबोर्ड में दोस्तों आप लोगों को सारी जानकारियां, आप लोगों को सारे डिटेल्स, जो भी आप लोगों के एरिया में या फिर कहाँ पे अभी पेट्रोल पंप खुल रहे हैं, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के डैशबोर्ड पे देखने को मिलता रहेगा। और साथ में आप लोगों को आप लोगों के मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी आती रहेंगी कि यहाँ पे आने वाला है, इस एरिया में चल रहा है, तो आप लोग वहां वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोगों के पास पूरी डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि आप लोगों के पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए और साथ में जो भी आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ कर सके वो चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप लोग बता दें कि आप लोग भारतीय नागरिक ही होने चाहिए, जैसे कि भारतीय नागरिक दोस्तों ITR का जो पहला नियम कहता है वो ये है दोस्तों कि अगर आप लोग 182 दिनों से इंडिया में है तो आप लोग यहाँ पे भारतीय नागरिक माने जाते हैं, चाहे आप लोग किसी भी देश से बिलोंग करते हो। अगर आप लोग 182 दिन इंडिया में है बिना वीजा के तो आप लोग यहाँ पे भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ये सारी चीजें भरने के बाद आप लोग पर्टिकुलर किसी भी एरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे हैं, मैं मान लेता हूँ कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में हैं, अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं MP में, तो वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, यानी कि आप लोगों के सारे नियम और जो भी इनकी शर्तें हैं सारा कुछ आप लोगों को फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश में है और वहां पे आप लोगों ने MP में लीज पे या फिर आप लोग किराए पे या फिर आप लोग कोई सगे संबंधी है वहां पे, तो आप लोग उसके जमीन पे खोलना चाहते हैं, तो वहां पे आप लोग का सब कुछ LOC वगैरह सब कुछ वहां पे आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आप लोग वहां पे ले सकते हैं। अगर आप लोगों का यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो जाता है लेकिन आप लोगों को डीलरशिप मिलने के बाद कोई भी कमियां नजर आती हैं, तो यहाँ पे आप लोग की डीलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। और फिर आप लोग समझते हैं कैंसिल हो जाएगी तो आप लोग दोबारा कभी डीलरशिप पेट्रोल पंप की नहीं ले पाएंगे, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आप लोग यहाँ पे पेट्रोल पंप के डीलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा अदर स्टेट में या फिर अपने ही स्टेट में, अलग अलग जिलों में या फिर कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट में। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जानना ये भी जरूरी है कि आप लोगों की चयन की प्रक्रिया क्या होगी। आप लोगों ने सारा कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे भर दिया, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों ने। आप लोगों को मैं एक बात और दिला दूं कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ फीस भी पे करनी पड़ेगी, जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं, जिस जिसको भी अप्लाई करेंगे, जहां जहां भी अप्लाई करेंगे, जब भी आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जब भी सबमिट करने जाएंगे तो आप लोगों को ये फीस देनी पड़ेगी, तभी आप लोगों का ये फॉर्म सबमिट होगा, वरना आप लोगों का फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम चयन की प्रक्रिया की बात करें तो चयन की प्रक्रिया में दोस्तों आप लोगों की ड्रॉ के ऊपर जो भी आप लोगों की डीलरशिप मिलेगी वो मिलेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ड्रॉ रखना सही भी है। अगर एक तरह से देखा जाए कोई कंपनी पर्टिकुलर एक हिसाब से देखे कि सारे कंपनी के डॉक्यूमेंट देखे या फिर आप लोगों के डॉक्यूमेंट देख करके दे, तो यहाँ पे आप लोग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि इनसे घूस खाई, इनसे पैसा लिया तो इनको डीलरशिप मिला है यहाँ पे दोस्तों, इसलिए आप लोगों का ड्रॉ के हिसाब से आप लोगों को डीलरशिप उसकी मिलेगी। तो ये तो रही बात दोस्तों आप लोगों को किस तरह से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और साथ में यहाँ पे आप लोगों को किस तरह से डीलरशिप दी जाएगी। तो डीलरशिप और यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन सब कुछ कंफर्म हो गया। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों से एक बात और कहा था कि आप लोगों को यहाँ पे आरक्षण भी दिया जाएगा, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं दोस्तों जहाँ पे आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। इन चार राज्यों के नाम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और यहाँ पे आप लोगों का मिजोरम। तो अगर आप इन चार राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या है ये भी जान लीजिए। आरक्षण में दोस्तों अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, या फिर अगर आप लोग भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, या फिर आप लोगों को इन दोनों में से आर्मी या फिर कोई भी खिलाड़ी है, आप लोगों को इंजरी की वजह से आप लोगों ने रिटायरमेंट ले ली या फिर आप लोग कार्यरत नहीं है, तो भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल जाएगा। और वहीं पे साथ में दोस्तों अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट PSO हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को इंसेंटिव मिल जाएगा। अब इंसेंटिव या फिर आरक्षण में क्या मिलेगा आप लोगों को, हम ये बात कर लें तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कुछ पैसे डीलरशिप में कम हो जाएंगे और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को प्रियोरिटी दी जाएगी डीलरशिप में अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो बाकी दोस्तों ये मोटा मोटा सब कुछ था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, काफी बाहरी नॉलेज मैंने बताया है, बिल्कुल डीप में नहीं गया हूं। अगर आप लोग बिल्कुल डीप में आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे हिंदी में भी मिल जाएगी जानकारी
और इंग्लिश में भी जानकारी मिल जाएगी। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप लोग एक बार जरूर चेक कीजिए, वहां पे पूरी डिटेल आप लोगों को मिलती रहेंगी। बाकी दोस्तों आप लोग अपने एरिया के न्यूज़पेपर को भी चेक करते रहें और यहां भी आप लोग यहां पे लॉग इन कर ले और अपना अकाउंट बना ले, अपनी प्रोफाइल बना ले, फिर आप लोगों तक नोटिफिकेशन आती रहेगी अगर आप लोग कोई डीलरशिप लेना चाहते हैं पेट्रोल पंप की। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि 15,000 से भी ज्यादा आउटलेट खुलने वाले हैं इन तीनों के, यानी कि आप लोगों के एचपी के, भारत पेट्रोलियम के और इंडियन ऑयल के। तो चलिए दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों की इस वीडियो ने किसी भी तरह से हेल्प करी हो तो जरूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो, कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग मुझे अपना स्क्रीनशॉट मुझे ईमेल कर सकते हैं। नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ईमेल दे दूंगा, आप लोग वहां पे भेज दीजिएगा, मैं आप लोग को जल्दी जल्दी रिप्लाई करके वो सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आप लोग डीलरशिप नहीं ले सकते तो हो सकता है कि उनके अंदर डीलरशिप लेने की इच्छा हो, तो वहां पे इस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो शेयर जरूर कीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही है और इसी तरह की वीडियो के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा आती रहेंगी। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।